आप देख रहे हैं ईद आईएससी के संग ओनली ऑन आईएससी प्रोडक्शन। जब मैं लंदन में स्टूडेंट था तो ईद पढ़ के फॉरेन यूनिवर्सिटी जा रहे होते थे, और यूएस में भी ऐसे होता था कि जल्दी जल्दी ईद पढ़ते थे और ईद पढ़ के भाग रहे होते थे यूनिवर्सिटी की तरफ या जॉब की तरफ। बहुत सारी ईदें हमने बॉर्डर एरिया पर गुजारी, सियासी पर गुजारी, कोयटा में और नॉर्दर्न एरियाज में, और उसका एक अपना मज़ा है कि जब फैमिली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो एक आर्मी की स्ट्रेंथ है कि हम अपने ट्रूप्स के साथ भी नहीं गुजार। जब मैं टर्की में था तो उस वक्त तो मैं अकेला था वहाँ पे, तो अकेले में जो ईद गुजरती है वो आप जानते हैं, और ज़्यादातर तो सो के गुजरी। सर आपकी तो बहुत सारी ईद जो होंगी वो सेट्स पे भी गुजरी होंगी आई एम श्योर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता था आपके लिए? बड़ी डिफरेंट ईद होती है, क्योंकि फिर आपके साथ जो आपके क्रू मेम्बर्स वगैरह होते हैं तो वो फिर एक छेड़छाड़ वगैरह होती रहती है, और एक आधा दिन छेड़छाड़ में गुजर जाता है, फिर आता है जहन में कि ये एकदम के यार अब तो घर भी जाना है, जल्दी जल्दी काम करो। ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं